हाय मिन्स मैथ इट मस्ट बी मैथ्स बाय अमिया वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय अमिया। तो आपके पास बेसिक ज्योमेट्री एंड कॉन्सेप्चुअल ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है जिसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। मैं चाहता हूं कि वीडियो को करो पॉज और इस क्वेश्चन को करो आप सॉल्व। सो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो चलिए हम लोग इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो क्या है, आपको ये पता है वी आर कमिंग विथ 500 बेस्ट क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस जो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम क्या है, क्वांटिफायर्स। इसे क्वांटिफायर्स क्यों बोलते हैं मैं आपको बता दूंगा बहुत जल्द, और कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और इस सीरीज के साथ आपका एंट्री क्या होने वाला है, ड्रीम टीम में आपकी एंट्री को पास मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ड्रीम टीम क्या है, आपका बेस्ट लोगों का ग्रुप जहां से बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व एंड देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो इस क्वेश्चन में दो प्रॉब्लम है। पहला, जब भी अगर आपकी कोई भी दो कॉर्ड ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, When the chord intersect at 90 degree, हमारे दिमाग में पहले ख्याल आता है that is A, if this one is B, this one is C, this one is D, ये क्या है C and D, तो हमें लिखता है कि हमने करना क्या है A square plus B square plus C square plus D square, this one is C square, let's change the pen, ये क्या है C square is equal to 2 of the radius square, यही हमारा दिखता है। तो हम इतना calculation तो इस question में नहीं करने वाले हैं। When we have रेडियस गिवन, हमारा जब रेडियस हमें पता है, हमें कॉर्ड का लेंथ पता है, तो ये नहीं करना है। तो ये पहला चीज है कि हमारे दिमाग में पहली बार दिखता है जिसे हमें नहीं करना है। दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि व्हेन आई आस्क अ क्वेश्चन, जब अमीय क्वेश्चन पूछता है तो लोगों को लगता है कि क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है या क्वेश्चन में कुछ हिडन है। तो ये दोनों चीज इसमें नहीं है कि हमें ये यूज नहीं करना, हमें यूज नहीं करना है। तो हमें करना क्या है, हमें करना है बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह इसको सॉल्व। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि व्हेन वी ड्रॉप परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर, जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करते हैं, से दिस वन इज अ सेंटर, तो ये इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, हमें ये पता है। से आई से दिस वन इज अ पी, दिस वन इज क्यू, और इसको ओ मान लीजिए, तो ये इसको बाइसेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। क्यू ई लेंथ इज दिस लेंथ, और ये पता है सी पी जो लेंथ है मेरा वो पी डी लेंथ के बराबर है। तो मैंने ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा कि आपको प्रिजुडिस नहीं होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, और क्वेश्चन जब भी हो तो बेसिक लैंग्वेज से सॉल्व कीजिए, आंसर्स आ जाते हैं। तो मुझे पता है ईएफ कितना दिया हुआ है, 136। अगर ईएफ आपका 136 दिया है तो अपर पार्ट आपका 68 होगा, आपको पता है, फाइन। दूसरा क्या दिया है, रेडियस आपका 85 दिया है, तो आपको पता है रेडियस क्या होगा, 85 होगा। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज कर सकते हैं क्या, वी हैव दिस, दिस वन इज 68, 68 होता क्या है 17 into 4, 85 क्या होता है 17 into 5, तो बॉस ये 17 into 3 होगा, विच वन इज 51, ये हमें पता है ये क्या होगा 51। इफ यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये भी मेरा क्या होगा 51, मुझको पता है, सिंपल सी बात है। अब दूसरा CD क्या दिया है, द कंप्लीट CD लेंथ इज 150, तो ये जो छोटा सा पोर्शन है दिस वन इज नथिंग बट 75, ये आपका क्या होगा 75 होगा। अगर आपका CP 75 है तो PD भी 75 होगा, जो D यहां पे है जिसमें ये पोर्शन 51 है, तो जो छोटा सा GD दिया हुआ है वो आउट ऑफ 75 51 खत्म हो जाएगा, 24 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है 24, और यही हमारा आंसर आ रहा है। दो, आप अगर आपसे ये लेंथ भी पूछता तो आप निकाल सकते हैं कि यहां से यहां ड्रॉ कर दो, ये क्या है 85, एक नया राइट एंगल ट्रायंगल आपका बन रहा है, दिस वन इज 75, दिस वन इज 85, दिस वन इज 5 into 15 है, और ये क्या है 5 into 17 है। तो अब देखना, आप 5 कॉमन है, 17 और 15 राइट एंगल के साथ जाता है 8 के साथ, तो ये लेंथ हमारा क्या होगा 40, ये क्या होगा 40, ये भी क्या होगा 40, हमें 24 ही निकालना था, बट मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपको पता है ये लेंथ 68 है, नीचे का भी लेंथ 68 है, अगर यहाँ 40 है तो GE आपका क्या होगा 28, आप इससे भी निकाल सकते हैं या पावर ऑफ पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दोनों बातें बताना चाहता हूँ, दोनों बातें हैं क्या कि जबरदस्ती का ज्ञान हम लोग नहीं लगाते हैं ये सब क्वेश्चन में। जबरदस्ती का ज्ञान क्या है कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर स्क्वायर, नहीं। और दूसरा, अगर अमीय क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका कहीं मतलब नहीं होता है कि क्वेश्चन टफ होगा या इजी होगा। तो प्लीज प्रिजुडिस से बाहर निकलिए। और अभी हम लोग बहुत जल्द मिलने वाले हैं किसके लिए, हम लोग बहुत जल्द मिलने वाले हैं इस सेशन के लिए। लेकिन हाँ, सिंगलटन क्वेश्चन और कुछ अच्छे क्वेश्चन मुझको दिखे मैं वो पोस्ट करता रहूंगा, आप उसे सॉल्व करते रहिए। और ये सारे क्वेश्चन पोस्ट कहाँ होंगे, टेलीग्राम एजुकेशन पे एंड फेसबुक पे भी हम पोस्ट करते रहेंगे। तो आप जहां पे भी हैं, अगर आप फेसबुक पे हो तो फेसबुक पेज ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम तो ज्वाइन करना मस्ट है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से फेसबुक ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप डिफरेंट ग्रुप्स में जा सकते हैं। तो प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम @education एंड अपना दो बेस्ट,
और इजी क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व करते हैं और टफ क्वेश्चन को हम लोग चाहे तो राउंड वन या राउंड टू बनाते हैं या राउंड थ्री बनाते हैं या छोड़ देते हैं एग्जाम्स में, बट अभी तो सॉल्व करना है। आंसर दिस क्वेश्चन इज 24। आई होप आपने दो बातें समझी होंगी कि जबरदस्ती इजी क्वेश्चन में टफ कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं और अमीर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो टफ नहीं होता है। जिस तरह कैट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलवेज टफ नहीं होते हैं, एसएससी के क्वेश्चन ऑलवेज इजी नहीं होते हैं। हर एक चीज़ को फेस वैल्यू पे लीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। मैं ये वीडियो सेशन क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अब बात करना स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजी पे भी। आपको अब इतने बचे दिन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो बहुत जल्द अपलोड होगा, जो आपको हेल्प करेगा अलॉन्ग विद द मैथ्स DILR चैनल पे। जो भी क्वेश्चन आता है उसे सॉल्व कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, टीम बेस्ट दे रही है और हम सब मिलकर अगर बेस्ट दें तो रिजल्ट तो बेस्ट होता ही होता है। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।